उस आदमी के मोमिन होने की गवाही दो जो मस्जिद की तरफ दरगम करे, उस आदमी के मोमिन होने की गवाही दो जो कसरत से मस्जिद की तरफ जाता हो। जब देखो तब मस्जिद की तरफ, जब देखो तब मस्जिद की तरफ, जब देखो तब मस्जिद की तरफ। मस्जिद का दायरा ऐसा हो जाए कि लोगों को शिकायत होने लगे, लोगों को शिकायत होने लगे कि ये मस्जिद को ज्यादा वक्त देते हैं। जब शिकायत होने लगे तो समझ लो गाड़ी ऊपर आ रही है, गाड़ी ऊपर आ रही है। ऐसा हुआ था, दो भाई थे, एक मस्जिद में ज्यादा वक्त देता था और एक कारोबार में ज्यादा वक्त देता था, तो कारोबार वाले ने शिकायत की। हदीस में हिस्सा है, उसने कहा या रसूलल्लाह ये कारोबार को वक्त नहीं देता, आपके पास देता है जिक्र। शिकायत पहुंची रसूलल्लाह के यहाँ। अब अगर कारोबार में कोई शिकायत आ जाए तो उस शिकायत से घबराने की बात नहीं है, ये हदीस सुनाने की बात है। हाँ ऐसा हुआ था रसूलल्लाह के जमाने में भी। मैं तुमको हदीस सुनाता हूँ, अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं देता, ये कहे तो आपने फरमाया तुम समझते हो कि दुकान की वजह से तुम्हें रिस्क मिलता है और मैं तुम्हें बताता हूँ इसके मस्जिद में रहने की वजह से तुम्हें वक्त तुम्हें रिस्क मिलता। रिस्क तेरे दुकान पर रहने की वजह से नहीं उतरता, रिस्क तो तेरे इस भाई के मस्जिद में रहने की वजह से उतरता है। तो मुझे बस इतनी बात आगे करनी है कि एक एक मुसलमान को इस तरह समझा
हम मस्जिद में गए थे, वहां कुछ भी नहीं था, मस्जिद में कुछ नहीं था, कि कोई बात नहीं मस्जिद में तो खामोश भी बैठे रहो तो फरिश्तों की सोहबत में रहो, मस्जिद में खामोश भी बैठे रहो तो फरिश्तों की सोहबत में रहोगे और अपने आसन पर रहेगा उस आदमी की तरह जो आदमी गर्मी से थक कर ऐसे कमरे में चला जाता है जहां सारा हो, जहां पंखा हो, जहां कूलर हो, जहां ये हो, वो उस कमरे में जाकर कुछ नहीं करता लेकिन वहां का मौसम उसको राहत पहुंचा देता है। जब मस्जिद में दाखिल हो जाओगे तो मस्जिद में दाखिल होने से तुम्हारे अंदर की गंदगी खुद बहुत खत्म होगी और बेजा गर्मी खुद बहुत खत्म होगी और तुम्हें ईमान की नरमी और ईमान की हलावत खुद बहुत पैदा होनी शुरू होगी। तो एक बात इसलिए तय करो कि एक एक मुसलमान को मस्जिद से उतारनी है, इसके लिए तय करो।